फ्रेंड्स, आपको इस तरह की तीन तरह की कटोरी सीखना हो, 7, 8, 9, तो आपको मेरा वीडियो अंत तक जरूर देखना पड़ेगा। मैं इस वर्ग की मदद से बनाऊंगी। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आपको इस तरह की कटोरी कटिंग सीखना हो तो मैं आपको गारंटी के साथ कहती हूँ कि आपको दूसरा कोई वीडियो देखना नहीं पड़ेगा। कटोरी ब्लाउज की कटिंग का यही सही तरीका सीख लिया तो आप किसी भी साइज़ की कटोरी बना सकते हैं। मैं आपको 3 साइज़ की कटोरी बनाना सिखाऊंगी और ये सब नंबर में चलेगी वैसी कटोरी आपको सिखाऊंगी। हेलो फ्रेंड्स, माया यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं ब्लाउज़ की कटोरी की कटिंग करना सिखाऊंगी। एक हम ब्लाउज़ का नाप लेकर कटोरी कटिंग करेंगे और 2 कटोरी बिना माप लेके भी हम कटोरी बना सकते हैं। देखिए, इस तरह की कटोरी बनाने का परफेक्ट तरीका मैं आज आपको दिखाऊंगी। अगर कटोरी अच्छी नहीं होती है तो हमारा ब्लाउज़ का फिटिंग अच्छा नहीं आता है, इसलिए हमें कटोरी अच्छे से बनानी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये इस तरह की कटोरी कटिंग करना सिखाऊंगी। ब्लाउज़ का सबसे डिफ़िकल्ट भाग है कटोरी। अगर कटोरी अच्छी नहीं होती है तो ब्लाउज़ की फिटिंग अच्छी नहीं आती है। मैं आपको 3 साइज़ की कटोरी सिखाऊंगी, वो किसी भी साइज़ की कटोरी आप बना सकते हो। 30 से लेकर 40-80 तक सुधी आप बना सकते हैं। पहले हम नाप लेके कटोरी बनाएंगे। जब भी फ्रेंड्स हम कटोरी का नाप ले, तब हम जहाँ पे लगाए हैं वहीं से ही हमें माप लेना है, तभी हमारी कटोरी परफेक्ट बनेगी। फ्रेंड्स, अब हम इस कटोरी को इस तरह से मोड़ देंगे, हमें नाप लेना है इसीलिए। अब हम नाप लेंगे फ्रेंड्स। यहाँ से यहाँ तक कटोरी मेरी 8 तक है, तो हम 9 की रखेंगे क्योंकि यहाँ के भी सिलाई का और यहाँ पे भी सिलाई का हमें निकालना है, तो हम 9 की बनाएंगे। फ्रेंड्स, मैंने वर्ग काट लिया है। देखिए, ये मैंने 9 का काट लिया है। देखिए, यहाँ पे भी 9 का ही है। देखिए, 9 का है ना, देखिए यहाँ तक। फ्रेंड्स, पहले हमें गला काटना है। हमारा गला 1.5 इंच का है। यहाँ पे मैंने 1.5 इंच रख दिया है और यहाँ पे मार्क कर रही हूँ। इसी तरह से हमें यहाँ पे भी 1.5 इंच लेना है और मार्क कर लेना है। अब हमें राउंड शेप दे देना है इस तरह से। जब हम सिलाई करेंगे तो ये 2 इंच का हो जाएगा। अब हम ऊक वाले साइड का नाप लेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक का 5.5 है। दोनों की सिलाई निकालने से हमें 5.5 लेना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से यहाँ तक का 5.5 हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे। ये हमने 5 का ले लिया है और नीचे का भाग है ये 1.5 इंच का है। जो यहाँ पे 1.5 इंच है तो यहाँ पे हमें 2 इंच रखना है। यहाँ पे हम 2 इंच पर मार्क कर लेंगे। अब हम कागज़ को मोड़ देंगे इस तरह से। यहाँ पे मार्क कर लेंगे, यहाँ पे हमें मार्क करना है। फ्रेंड्स, अब हम इसको और इसको दोनों को जोड़ देंगे इस तरह से। अब हम इसको भी जोड़ देंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने दोनों को जोड़ दिया है। अब हमें यहाँ से यहाँ तक का राउंड शेप देना है इस तरह से। फ्रेंड्स, अगर आपको राउंड शेप नहीं आता है तो आप इस तरह से कोई राउंड शेप ले लीजिए और यहाँ पे रख के इस तरह से मार्क कर लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, हमारी कटोरी तैयार हो गई। अब हम कैंची के मदद से काट लेंगे इसको इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स, मैंने काट लिया है। अब हम चेक कर लेंगे कि हमारी कटोरी अच्छी तरह से बन गई है ना, बन के रेडी है। देखिए, इस तरह से हमें मोड़ना है और देख लेना है। देखिए, दोनों साइड अच्छी तरह से आ गया है माप।
बीच में हम 3 से थोड़ा कम रखेंगे और वहाँ पे मार्क करेंगे। यहाँ पे हम 1.5 इंच का माप करेंगे। जो भी साइज़ की कटोरी हो हमें यहाँ पे 1.5 इंच ही लेना है। फ्रेंड्स अब हम इसको मोड़ देंगे इस तरह से और इसको खुला करेंगे। देखिए फ्रेंड्स हमारी कटोरी तैयार हो गई। ये हमने 9 नंबर के साइज़ की कटोरी बनाई है। फ्रेंड्स जिनका सीना 36 से 32 तक हो तो उसको 9 नंबर की कटोरी चलती है। आप इसमें छोटी बड़ी कर सकते हैं, यहाँ से आप छोटी कर सकते हैं। देखिए ये टक्स है, टक्स है। देखिए फ्रेंड्स मैंने मोड़ के भी देख लिया। देखिए ये हमारा सिलाई का और ये हमारा सिलाई का, तो हमारा कटोरी परफेक्ट है। ब्लाउज़ का नाप लेकर आपको कटोरी बनाना है तो जितना ये लंबाई है उससे हमें 1 इंच बढ़ा देना है, तब भी हमारी कटोरी परफेक्ट बनेगी जो मैं आपको अभी दिखाई। अब बिना माप लेके हम कटोरी कैसे बना सकते हैं? ये हम छोटी वाली कटोरी बनाएंगे। देखिए ये मैंने वर्ग बनाया है 7 7 का। देखिए 7 7 का बनाया है। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं गला 1.5 इंच का रखती हूँ। आप गला छोटा बड़ा कर सकते हैं, वो आप ब्लाउज़ के नाप के हिसाब से बना सकते हैं। यहाँ पे हम राउंड शेप दे देंगे। अगर कटोरी छोटी है तो यहाँ पे हमें 4 इंच का लेना है। यहाँ पे 1.5 इंच से थोड़ा कम है तो हम यहाँ पे 1.5 इंच रखेंगे। इसको हम मोड़ देंगे इस तरह से, यहाँ पे मार्क कर लेंगे इस तरह से। यहाँ पे हम लाइन कर लेंगे इस तरह से दोनों साइड। अब हम राउंड शेप दे देंगे यहाँ पे। फ्रेंड्स मैंने राउंड शेप दे दिया है, अब हम काट लेंगे। अब हम मोड़ देंगे, देखिए दोनों साइड ठीक है। देखिए फ्रेंड्स हमारे 7 नंबर की कटोरी तैयार हो गई। तो इस तरह से हम छोटी बड़ी कटोरी बना सकते हैं। फ्रेंड्स इस कटोरी का कम यूज़ होता है क्योंकि ये कटोरी छोटी है इसीलिए। फ्रेंड्स अब हम 8 नंबर की कटोरी काटेंगे। मैंने वर्क काट लिया है, देखिए 8 नंबर की। पहले हम गला काट लेंगे 1.5 इंच का, गले का निशान लगाएंगे पहले। अब हम राउंड शेप दे देंगे, यहाँ पे 4.5 इंच का माप कर लेंगे। यहाँ पे 1.5 इंच है तो यहाँ पे हम 2 इंच का रखेंगे। बीच में से मोड़ देंगे, मार्क कर लेंगे। अब हम काट लेंगे। देखिए फ्रेंड्स हमारी कटोरी तैयार हो गई। देखिए फ्रेंड्स ये 8 नंबर की कटोरी तैयार हो गई। तो इस तरह से हम कटोरी को कटिंग कर सकते हैं। बहुत ही सरल और आसान तरीके से मैंने आपको दिखाया। फ्रेंड्स मैंने 7 8 9 3 तरह की कटोरी कटिंग करना सिखाया। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।